हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूँ मार ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियोस में हमने देखा एनडीए और सीडीएस के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एनडीए और सीडीएस के 2022 के फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। आइए तो एक एक करके सभी को हम देखते हैं कि कौन सा हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला बायोलॉजी के सब्जेक्ट से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग इज और आर करेक्ट, यानी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स के बारे में क्या क्या चीजें सही है वो पूछ रहा है। व्हाइल लिविंग बींग कैन डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ एंड रिपेयर, नॉन लिविंग बींग कैन नॉट। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि नॉन लिविंग बींग जो है वो कोई तरह का ग्रोथ और रिपेयरिंग जो है उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाइल लिविंग बींग डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, नॉन लिविंग बींग डज नॉट। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है किन में, लिविंग बींग्स में, और नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होती है। तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू। यहां हम देख पा रहे दोनों ही सही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ठीक है, अब यहां से एक चीज हमको याद रखनी है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जैसे कि नॉन लिविंग और लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है। तो लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं कि उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऐसी सारी प्रोसेस उनमें देखने को हमको मिलती है। और लिविंग बींग्स के अलावा नॉन लिविंग में ये सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो इनमें से कौन सा टाइप का प्लास्टिड है जो स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये स्टोर करके रखता है सारी चीजों को, जैसे कि स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स को। ठीक, तो यहां पे याद रखना हमको। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है कि ये प्लांट के फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो ये फूड जो हमारा प्लांट है उसमें अलग अलग रंगों को देने का काम करता है, उसके फ्रूट्स को, उसके फ्लावर्स को कलर देने का काम करता है। और जेंथोप्लास्ट का भी ऐसा ही मिलता जुलता काम हमको मिलता है। यानी आंसर हो गया हमारा क्या, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करना किसका काम होता है, ल्यूकोप्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट। तो वैक्यूल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आइए देखते हैं। इन प्लांट्स देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मे ऑक्यूपाई 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हम जब सेल को पढ़ते हैं, वैक्यूल के बारे में जब जानते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट सेल है उनमें वैक्यूल का साइज होता है बड़ा, नंबर होता है कम। और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वैक्यूल का साइज होता है छोटा और नंबर होता है ज्यादा। तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी ये उसको टर्जिड बनाने का काम करते हैं, रिजिड बनाने का काम करते हैं। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किसी हॉलो चीज के अंदर हम कोई सपोर्ट दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो रिजिड होने लगेगी। इन अमीबा वैक्यूल्स हैव रोल इन न्यूट्रिशन। तो हाँ, वैक्यूल्स न्यूट्रिशन स्टोर करने का काम करता है किसमें, अमीबा में। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, तो नहीं, एब्सेंट नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, नंबर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो एनिमल सेल्स के बारे में हमको ये अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स गिव देम बायोंसी इफेक्ट, दीज सैक्स आर सराउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यूज। तो कौन से टिश्यूज हमको मिलते हैं, तो इनमें हमको कौन मिलेंगे, पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे हमको याद रखने वाली बात यह है कि ये जो पैरेन्काइमा हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमको मिलेगी एयर।
तभी तो उनको बायोन्सी दे पाएंगे। सेल जब हल्का होगा तभी तो उसको फ्लोट करने की शक्ति देगा, और यहाँ पे सॉरी सेल नहीं टिश्यू जो है, जब वो हल्का होगा तभी तो क्या कर पाएगा, वो फ्लोट करने की शक्ति देगा, यानी उसमें क्या होगी, एयर होगी। तो जब जब इसमें एयर मिलती है तो हम इसी को एक नए टर्म से डिनोट कर देते हैं, एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसी को, एरेनकाइमा। याद रखिएगा इसी को क्या कहा गया है, एरेनकाइमा। ठीक है, तो एरेनकाइमा किसको कहते हैं, पेरेनकाइमा में जो किसमें मिलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उनको तैरने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहां से हो गया हमारा आंसर पेरेनकाइमा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पाइसिस, यानी कौन सा इनमें से पाइसिस कैटेगरी से जुड़ा हुआ है। तो हमको यहां से एक चीज और मिल जाती है कि टोटल कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कैटेगरीज कितनी होती है, तो टोटल कैटेगरीज जीवों की या जो हमारे एनिमिलिया किंगडम है उसमें हमको मिलती है कितनी, पांच। पांच कौन सी हो जाती है भाई साहब, तो यहां पे हम देखेंगे, पहली हमको मिलेगी एक्वेटिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइसेस। ठीक, दूसरा हमको मिलेंगे कई सारे इसमें मैमल्स, मैमल्स के बाद हमको मिलेंगे इसमें एव्स, एव्स के बाद हमको मिलेंगे इसमें उभयचर, या जिनको हम क्या कह सकते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे मिलेंगे। तो ऐसे सारे जीव हमारे क्या कहलाते हैं, सॉरी एम्फीबियर नहीं, ऐसे सभी जीव एम्फीबियंस हो जाएंगे यहाँ पे, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अलावा हमको क्या मिलेंगे, तो रेप्टाइल्स मिलेंगे। ठीक, तो पांच कैटेगरी होती है, पहली एक्वेटिक या पाइसिस, दूसरी हो गई मैमल्स, तीसरी हो गई एव्स, चौथी हो गई एम्फीबियन, और पांचवी हो जाएगी रेप्टाइल्स। तो इन सभी में हम देखते हैं कि अलग अलग जीव हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी फिश पाइसिस में नहीं आती है, सॉरी कौन सी फिश पाइसिस में आती है। तो पहली ही हमको यहाँ पे दिखती है कि डॉग फिश जो होती है वो किसका पार्ट होती है, पाइसिस का। जेलीफिश, सिल्वर फिश और स्टार फिश ये पाइसिस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये पाइसिस का पार्ट नहीं होते हैं, तो हमको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमको ऐसा ही एक क्वेश्चन मिला है, यानी 2022 के बाद में जो एग्जाम हुई थी उनमें ये क्वेश्चन बंदा मतलब इसी से जुड़ा हुआ हमको एक क्वेश्चन मिलता है, और उसी समय मैंने आपको ये बताया होगा कि ब्रायोफाइट जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी ऐसे पौधे जो जल और स्थल यानी लैंड और वाटर दोनों पे रहने का काम करते हैं। कौन सी कैटेगरी के, तो ब्रायोफाइट्स में, तो वो क्या कहलाते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट हमको मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय बैक्टीरियल पैथोजन, यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, तो कौन सी बीमारी मिलेगी हमको बैक्टीरिया के कारण यहां पे, एड्स, डेंगू फीवर, कोविड-19, टाइफॉइड फीवर। तो इनमें से हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी मिलती है। तो एड्स जो है वो किसके कारण होती है, HIV वायरस के कारण, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। डेंगू फीवर किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस, या किसके कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण। ठीक है, फिर कोविड-19 तो हम सभी को पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। और ये भी क्या है, एक तरह का वायरस, बच्चा केवल कौन हमारे पास, टाइफॉइड। और टाइफॉइड किसके कारण होता है, तो सालमोनेला टाइफी, नाम के बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है, सालमोनेला टाइफी के कारण होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो ली जाती है वो क्या करती है हमारी बॉडी में जाने के बाद में, या इसका जो एक्शन होता है, या यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा। तो दे किल द एग, तो नहीं ऐसा हो नहीं सकता, दे किल द स्पर्म। तो ये प्रोसेस ही जब हो रही है उसी को रोकने के लिए, तो यानी जो
फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको रोकने के लिए। तो ये दोनों चीजें तो यहाँ से हम हटाई देते हैं सीधा। जाइगोट अभी बनानी है, ठीक है, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। तो यहाँ हम जाइगोट को बनने से कैसे रोक सकते हैं या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कैसे रोक सकते हैं, तो आप एग का ही फॉर्मेशन होने मत दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में वो फ्यूज ही नहीं होगा स्पर्म के साथ, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई आगे की प्रोसेस बढ़ेगी नहीं, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा नहीं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें हमको केवल एक गैमिट मिलता है या एक तरीके का उसका जेंडर हो सकता है, जैसे कि या तो उसमें मेल मिल रहा है हमको या उसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल रहा है। तो उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित होगा या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ पे हिबिस्कस, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये तीनों ही कैसे हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी इसमें हमको क्या मिलते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर्स में मिलते हैं, लेकिन बचा केवल यहाँ पे हमारे पास है पपाया, यानी पपीता का जो फ्लावर होता है उसमें हम देखेंगे कि उसके फ्लावर्स कौन से टाइप के होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल टाइप के, यानी उनमें केवल हमको क्या मिलेगा, तो एक कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीम, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल इज अनेबल टू सिंथेसिस लिपिड्स, विच ऑफ इट्स ऑर्गेनिल माइट बी डीएक्टिव। यानी अगर वो लिपिड्स का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो कौन सा ऑर्गन उसके लिए जिम्मेदार होगा, तो हमको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि कौन सा ऑर्गन लिपिड बनाता है ना। तो हमारे सेल में लिपिड्स बनाने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हमारे ऑप्शन में है, तो हाँ ये हमारे ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो यहां से हमको क्या याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करती है किसका, हमारे प्रोटीन का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करती है किसका, लिपिड्स का, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स बनाने का काम किसका होता है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसको अच्छे से हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी बार सेल से हमारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे एनडीए के क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं सीडीएस के क्वेश्चंस पे। तो सीडीएस में हमको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले वो हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। कौन सा सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको कई बार ये शब्द जो होते हैं ना, इनको हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। कई बार हमारे सिंपल से क्वेश्चन इन छोटे छोटे शब्दों की वजह से गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो कौन सा सही नहीं होगा, तो देखते हैं कि करके, इन दिस टेक्निक जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स। जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस मे स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट टू वाइल्ड प्लांट टू प्रोड्यूस ए ट्रांसजेनिक एनिमल। द नोवेल जीन्स आर इंसर्टेड एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि ये दोनों पे काम करेगा, प्लांट और एनिमल दोनों में ये काम करती है टेक्निक, ना कि केवल प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द ईसोफेगस ऑफ द पर्सन इज इंजर्ड। इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड। तो हमारी स्टमक की लाइनिंग और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लगभग जिनकी हम बात कर सकते हैं, तो उन सभी में हम एक चीज देखते हैं कॉमन, यह है कि उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, स्क्वामस एपिथीलियम से। किससे बनी है, स्क्वामस एपिथीलियम से। तो जाहिर सी बात है, इसोफेगस और माउथ जब इंजर्ड होगा या इंटरनल लाइनिंग जब इंजर्ड होगी, तो कौन से टाइप के सेल्स या सॉरी टिश्यूज जो है वो रप्चर होंगे या अफेक्ट होंगे, तो स्क्वामस एपिथीलियम टिश्यूज इसमें इफेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट
करेक्ट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। इससे पहले भी ऐसे कई क्वेश्चन हमने देखे हैं इसके पहले वाले वीडियोस में अगर आप जाके देखेंगे तो। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा माँ ट्यूटोरियल्स के चैनल को, ताकि आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहे, ठीक है। आइए आप वापिस हम क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, कौन सा सही होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, तो नहीं, सेल्यूलोस का नहीं बना होता है। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। फिर इट इज ए परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल द सब्सटेंसेस, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ मेनी मटेरियल्स, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमको देखना है कौन सा करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा शब्द हमको सही मिलता है, तो ये वाला हमको सही मिलता है, क्योंकि सेल्यूलोस का नहीं बना है। किसका बना है, फॉस्फोलिपिड्स का बना है। कुछ चीजों के लिए परमिएबल है सभी के लिए नहीं, ठीक है। इतना फ्लेक्सिबल है कि सेल कुछ अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर सके, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो गलत बात है कि ये डिफ्यूजन अलाउ करता है, तभी तो सेल में कई सारी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज वो शो कर पाता है, अलग अलग प्रोसेसेस वो कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी। द प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, तो भैया ये होते हैं लड्डू क्वेश्चन। लड्डू क्वेश्चन मतलब क्या, ये अगर आपने गलत कर दिया तो फिर तो हो गया कल्याण। सिक्स क्लास से आप यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जहां तक, ठीक। तो प्लांट में कौन सी प्रोसेस से ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है, तो किससे होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार हमको मिलते हैं, और अच्छे से इनको ध्यान रखना होता है, अच्छे से इजी तरीके से इनको पढ़ के हमको करना होता है फोकस के साथ, नहीं तो ये इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और यहाँ दिक्कत होती है। 18, द डिजीज रिकेट्स डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो रिकेट्स किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन सॉरी डी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, तो स्कर्वी नाम का एक डिसीज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, रिकेट्स, इसमें क्या हो जाता है, तो जो बच्चों के हड्डियां हैं वो बिल्कुल पतली होने लगती है, इसके अलावा उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, तो ये मुड़ जाती है धनुष की तरह, उनके पैर जो हैं दोनों ही साइड में मुड़ जाते हैं। तो इसको बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत घातक बीमारी होती है बच्चों के लिए। कि विटामिन ए में हमको क्या मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी में क्या मिलता है हमको, बेरी बेरी, ठीक है। तो ऐसी सारी बीमारियां हमको नॉर्मली पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी बीमारियां हैं, तो उनको भी हमको अच्छे से पढ़ना है। ये जनरली पूछी जाने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड, ठीक। तो हमारे पास में देखते हैं क्या क्या है, ब्लड वेसल्स की बात की है और उनके फंक्शंस की बात की है। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, कैपिलरी का, कोरोनरी आर्टरी का और पल्मोनरी वीन का। तो हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी का क्या मिलता है हमको फंक्शन, हाँ, ये क्या करता है, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी इसका हमारे पास में ये हो गया, ठीक। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करेगी, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है, ये कनेक्शन बनाती है किसके बीच में, आर्टरीज और वीन्स के बीच में। कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, तो कोरोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स, ये ब्लड कहाँ लेके जाती है, हार्ट के मसल्स में। और पल्मोनरी वीन जो है वो क्या करती है, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट लंग्स टू हार्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा ऑप्शन क्या मिलता है हमको, ए, ऑप्शन नंबर ए, 4321, 4321 हमारा हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू द ग्रीन हाउस, द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इन टू द ग्रीन हाउस, वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इन साइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, कि
इसी ऑप्शन में हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इसके अलावा इतना ज्यादा कहीं पे कंफ्यूजिंग चीज है नहीं। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इन टू द ग्रीन हाउस एंड द लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इन साइड द ग्रीन हाउस कैन ऑल्सो पास बैक आउट। तो यहीं से तो गलत हो गया, ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है, और यहाँ पे भी वापस यही चीज है कि कैन पास बैक आउट थ्रू द ग्लास, नहीं बिल्कुल नहीं जाता। नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ द ग्रीन। कुछ करते हैं, है ना, पूरे नहीं करते लेकिन कुछ तो करते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोगैस इज नॉट करेक्ट। तो बायोगैस के लिए कौन सा सही नहीं है, देखो फिर से वही चीज, ये छोटे छोटे शब्द हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्या है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। तो हाँ ये सही बात है कि हमको बायोगैस में मीथेन मिलेगी। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये गलत बात है। आगे और देख लेते, इट इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ काउडंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हाँ यहाँ पे क्या किया जाता है, एनरोबिक एक रिएक्शन की जाती है, उसी की मदद से यहाँ पे हम देखते हैं कि रिलीज होती है कौन, तो मीथेन गैस, ठीक है। इट बर्न्स आउट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो लीव्स नो रेसिड्यू, यानी कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता। तो सही बात, आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, बी। क्यों, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल नहीं साहब, ये क्या है, रिन्यूएबल, ठीक है, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, या रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसलिए हमको बायोगैस के लिए यहाँ पे आंसर मिलता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड्स इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। तो ऑब्वियस यहाँ पे आंसर हमारा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये कहाँ पे मिलती है, हमारे स्टमक में, और ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स में हमको मिलते हैं कुछ सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स है, और वो सेल्स क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल्स इनको कहा जाता है, और वो ही इनका फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस। तो किससे लिटमस बनाया जाता है, लिटमस मतलब वही जिससे हम बेस और एसिड के बारे में पता करते हैं, तो लिटमस का फॉर्मेशन किससे होता है, तो किससे किया जाता है, लाइकेन से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि एक सिम्बायोट है ना, याद रखिएगा क्या है ये, एक सिम्बायोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन जो होती है उसका मेन कारण क्या है, तो डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द रेन, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द रेन, डिसोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द रेन, और डिसोल्यूशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इन द रेन। तो देखो भैया, ऑक्साइड्स जो हैं उन्हीं के कारण क्या होती है, एसिड रेन होती है, यहाँ पे हमको बाकी चीजों में ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी SO2 और NO2 का जब उसमें मिक्स या कहें मिक्सचर बन जाता है वाटर के साथ, वो रिएक्ट कर लेते हैं, तब ये फॉर्मेशन होता है या एसिड रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इन ए वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स। तो किसी भी जीव में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली वो किसके कारण हो रहा है, उसके डीएनए या आरएनए में चेंजेस होने से, और उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है, याद रखिएगा। यीस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ यीस्ट, यानी खमीर जो होती है, जो हम नॉर्मली एल्कोहल ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, जो कि शुगर को ईट करके या उसको खा के डिसइंटीग्रेट करती है और फॉर्मेशन करती है किसका, अल्कोहल का, और इसी के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पे एक एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनेरोबिक टाइप का रिएक्शन होता है, उसके कारण कई सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, यीस्ट है किसका एग्जाम्पल, फंगस का, ठीक है, यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, फंगाई का, ठीक। हाइफी, हाइफी आर प्रोड्यूस बाय यीस्ट, थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मेनी फंगी और रिप्रोडक्टिव सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम लूजिंग वाटर इन वेट कंडीशंस। तो ये हाइफी जो होते हैं धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो फंगीज के द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, फंगी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक।
तो ये हो जाते हैं हमारे सीडीएस के क्वेश्चन कंप्लीट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आगे भी इस प्रकार के सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें माँ ट्यूटोरियल्स को। जय हिंद।